हाँ फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो कि आपका जो कि 18 सितंबर से एग्ज़ाम है आपका सीजी टेट का, जो कि यहाँ से पर्यावरण से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके सारे जो कि क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट कराया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, जो कि 30 नंबर का आपका पर्यावरण क्वेश्चन आएगा और यहाँ से आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पे जो कि पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्लास पे बनिए रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि वीडियो डलेगा तो आपके जो कि आपके यूट्यूब में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और सारे क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट कराया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ से 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य उदाहरण है यहाँ पे तालाब, जो कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो इसका यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन जीवी कारक नहीं है? तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान। तो इनमें से जो कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो कौन जीवी कारक नहीं है? तो चट्टान इसमें जीवी कारक नहीं, बाकी पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव सारे जैविक जीवी कारक हैं। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन चट्टान इसमें नहीं आएगा, जो कि जीवी कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे में पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे मुख्य रूप से स्थल मंडल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं, जो कि स्थलीय जो कि पेड़ पौधे होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्य मत जनताओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्रणाली को कहा जाता है, पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेजेंटर या जो एमनियोर। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि इसका तो यहाँ पर अन्य मत जंतुओं पर जीवन निर्वाह वाले जो कि करने वाले प्रणाली को मुख्य रूप से स्क्वेंजर कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्वेंजर। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, या कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, या कार्बोरेटेड जो कि नेचुरल गैस का। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि सीएनजी बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि सीएनजी का फुल फॉर्म है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है? तो WWF, WHO, पेटा, UN। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, WWF जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि पूरे विश्व में और पर्यावरण सुरक्षा को यहाँ पे WWF जो कि सुरक्षा और देखभाल कर। तो यहाँ पे WWF इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड एंड फंड नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका जो कि हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अगर फुल फॉर्म पूछ देगा तो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल यहीं करता है, WWF जो कि हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, डी इनमें से कोई। तो अधिक जो कि कीटनाशक को हम जो कि उपयोग करेंगे तो इससे अत्यधिक इस्तेमाल से जो कि हमारा जो कि वायु प्रदूषण अधिक से अधिक फैलेगा। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रेस लवण, या हाइड्रोफोलिया लवण, या हाइड्रोफोबी लवण। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है मुख्य रूप से हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, याद रखिए, जो कि लवण जो जल का अवशोषण करता है मुख्य रूप से हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक जो कि अधिवासों का संरक्षण है, तो उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम या जनसंख्या के रख रखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है क्रोट संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, या सी है अपस्थानीय संरक्षण, या डी ही परिधि संरक्षण। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण का लाता है, जिसके माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का जो कि संरक्षण है, उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जो कि जनसंख्या के रखरखाव एवं जो कि प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त हैं, जिसे जो कि स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जो कि विश्व उष्मायन कारण है, तो इसमें से पूछा गया है विश्व
तत्व जो कि उष्मायन का कारण है, तो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो विश्व को उष्मायन का कारण है मुख्य रूप से वायु प्रदूषण। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जो लगभग है 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3। तो महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह जो आवृत किया है जो लगभग आपका 2/3 के अधिकांश जगह आवृत किया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2/3। अगला क्वेश्चन है, स्टेलेक्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेलेक्माइट एवं स्टेलेगमाइट में जो कि निक्षेपण होते हैं सिलिका निक्षेपण होते हैं मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो धुआं एवं कोहरा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी, चारकोल से निकलने वाली गैस, इनमें से सभी। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, जो कि इससे वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो तीनों सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान का प्रयोग करता है, कागज के थैले, प्लास्टिक के जो कि थैले, नायलान के थैले या चमड़े के थैले। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम जो कि मुख्य रूप से प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है, तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाए, प्लास्टिक के थैले का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों का जो कि वीडियो को शेयर करिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व उष्मायन के लिए निम्न कौन एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधे से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से एक जो कि मुख्य कारक है वह वाहनों से निकलनी गैसें जो कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न कारक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो बिटुमिन को, बॉक्साइट, मेटलाइट या अयस्क। तो धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो मेटालाइट को, जो कि धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। तो याद रखिए धातुमय प्रस्तर मेटालाइट को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि अवशोषण करते हैं मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है जो कि फॉरवर्ड पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में। तो भूकंप मापा जाता है मुख्य रूप से रिएक्टर के पैमाने से इसको नापा जाता है भूकंप को। तो याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको कराया जाए जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इसका भूकंप को मापा जाता है रिएक्टर पैमानों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो महासागरों में जल का स्तर जो कि वृद्धि का कारण मुख्य रूप से आपका ध्रुवीय प्रदेश में जो कि बर्फ का पिघलना जो कि इसका वृद्धि का मुख्य कारण है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 44%, 23%, 40% या 21%। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का जो कि प्रतिशत लगभग माना गया है 21% माना गया है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% माना गया है लगभग, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, परम तापक्रम पैमाना कौन सा? तो सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, डी इनमें से कोई नहीं। तो परम तापक्रम पैमाना जो कि है इसमें आपका केल्विन, जो परम ताप जो कि तापक्रम का पैमाना है केल्विन, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है आपके सभी पौधों द्वारा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो कि इसके द्वारा संपादित होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फॉन में, डेसी में, डेसिबल में या डेसिबल में। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है मुख्य रूप से डेसिबल से नापा जाता है, तो इसका यहाँ पे डेसिबल इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो निम्न में से कौन पर्यावरण के मुख्य कारक है? तो वहाँ आपका प्लास्टिक जो कि पर्यावरण को मुख्य रूप से ज़्यादा प्रदूषित करता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टिक।
अगला क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, SH2S, SF6 या SO2। तो इसका H2 सल्फर डाइऑक्साइड H2, तो जो कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है H2S, जो कि हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है H2S। तो याद रखिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो जो हो रहा है वायु प्रदूषण, जो कि मुख्य रूप से बढ़ते क्रम में है, जिसको मुख्य रूप से यहाँ पे जो कि वृक्षों द्वारा जो कि हम लगा के जो कि वायु प्रदूषण को हम बचा सकते हैं। इसलिए जो कि बरसात में अत्यधिक मुख्य रूप से जो कि पेड़ लगाएं और जो अपने वातावरण पर्यावरण को साफ रखें। इसलिए वायु प्रदूषण को जो मुख्य रूप से वृक्षों द्वारा हम कम कर सकते हैं, जो भी करना है हम ही करना है। तो इसलिए वृक्षों को जो कि अधिक से अधिक लगाइए और पर्यावरण को साफ रखिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर, 5 जनवरी या 5 जून को या 5 दिसंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस यह दिवस मनाया जाता है 5 जून को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है आपके हर एग्जाम में, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो याद रखिए 5 जून को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी के कौन से स्तर सुरक्षित रखते हैं? तो आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन से स्तर सुरक्षित रखते हैं? तो मुख्य रूप से ओजोन स्तर, जो कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो कि हानिकारक किरणों से पृथ्वी तक आने से स्तर को जो कि सुरक्षित मुख्य रूप से आपका ओजोन स्तर सुरक्षित रखते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है पेड़ पौधों में जंतुओं को, मछलियों में पेड़ पौधों को, जंतुओं में मछलियों को या पक्षियों में पेड़ पौधों को। तो यहाँ पे किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है मुख्य रूप से पेड़ पौधों में जंतुओं का, जो कि सूचित करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, और ज़रूरतमंद अपने भाई बहनों तक जो कि वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के लिए भी लाभ ले सके इसका। और आपका CGTET का एग्ज़ाम जो कि 18 सितंबर होना है, इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।